आरजे शो में आप हैं अशोक हमराही के साथ। वैजयंती माला की करीब 70-80 के लगभग फिल्में रही होंगी, 70 से तो कुछ ज्यादा ही होंगी फिल्में, तमिल तेलुगु मिला लें तो और भी कुछ, लेकिन हिंदी फिल्में इतनी तो होंगी। किन साधना फिल्म को हम नहीं भूल सकते, 1958 में यह आई थी और इस फिल्म में बिया चोपड़ा ने सुनील दत्त के साथ वैजयंती माला को लिया था और इस फिल्म के लिए उनकी अभिनय को बहुत सराहना मिली और उन्हें इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गाना। वैजयंती माला की बात हो और मधुमती फिल्म का जिक्र न हो, ये कैसे हो सकता है। और हमें लगता है कि शायद ये पहली हिंदी फिल्म रही होगी जिसमें एक कलाकार ने तीन तीन भूमिकाएं निभाई हो। इसके बाद तो और भी कई फिल्में आई जिसमें अलग अलग भूमिकाएं रही कलाकारों की, लेकिन उस समय की ये फिल्म शायद पहली रही हो। वैजयंती माला ने तीन किरदार इस फिल्म में निभाए थे और इसमें उनके साथ थे दिलीप कुमार, बिमल राय की ये फिल्म थी। और इस फिल्म में एक बड़ी खास बात ये थी कि अलग अलग जन्मों की कहानी अलग अलग रूप में सामने आई थी। वैजयंती माला मधुमती के किरदार में थी, माधवी के किरदार में थी और राधा के किरदार में थी। दिलीप कुमार आनंद और देवेंद्र इन दो किरदारों में नजर आए थे इस फिल्म में। और बाद में इस तरह की फिल्म आपने देखी होगी, कुदरत फिल्म की भी कहानी जो बाद में आई थी वो भी मिलती जुलती रही है और ओम शांति ओम जैसी फिल्म भी, और भी कुछ फिल्में हो सकती हैं, लेकिन मधुमती फिल्म की बात ही कुछ अलग है। इस फिल्म के गाने भी बहुत मशहूर हुए थे, शैलेंद्र ने गाने लिखे थे, सलील चौधरी का संगीत था इस फिल्म के गीतों के लिए। और हाँ, इस फिल्म का जो संपादन था, एडिटिंग की थी ऋषिकेश मुखर्जी ने, बिमल राय के बैनर के वो बड़े ही खास रहा करते थे। और इस फिल्म को ऋत्विक घटक ने लिखा था, राजेंद्र सिंह बेदी के संवाद थे। आइए सुनते हैं मधुमती का ये गाना। माला की सुपरहिट फिल्मों का अगर जिक्र किया जाए तो एक से बढ़कर एक फिल्में रही हैं उनके करियर में। सूरज हो, लीडर फिल्म हो या संगम फिल्म का जिक्र भी बहुत जरूरी है। मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर। डॉक्टर विद्या या गंगा जमुना, हाँ ये फिल्म तो एक अलग तरह की फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने भोजपुरी सीखी थी और अवधी भोजपुरी का जो मिश्रण था इस फिल्म में वो उन्होंने निभाया था और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने निभाया। आइए सुनते हैं गंगा जमुना फिल्म का ये गाना। इसके अलावा ज्वेल थीफ फिल्म जो उन्होंने देवानंद के साथ की थी, ये 1967 के आसपास फिल्म आई थी। सुनते हैं ज्वेल थीफ फिल्म का ये गाना। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का। संघर्ष फिल्म 1968 में दिलीप कुमार के साथ आई थी। सुनते हैं संघर्ष फिल्म का ये गाना। मेरे पास आओ नजर तो मिला, सुनो तो जरा धड़कने मेरे। ऐसी बहुत सारी फिल्में, प्रिंस फिल्म का भी जिक्र बहुत जरूरी है जो उन्होंने की थी। शम्मी कपूर इस फिल्म में थे, राजेंद्र कुमार के साथ साथी गंवार जैसी फिल्में उन्होंने की। सुनते हैं साथी फिल्म का एक गाना। हमें लगता है कि उनकी जो आखिरी फिल्म आई थी वो 1989 के लगभग आई थी, लड़की। इसके बाद उन्होंने किसी फिल्म में अगर काम किया हो तो मुझे याद नहीं। तो इस तरह से करीब 71-72 फिल्में रही जिनमें उन्होंने अभिनय किया। तो वैजयंती माला के गीतों के साथ आज का सफर तय हुआ। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और अब दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, हर पल पर्व की तरह बीते। नमस्कार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदा। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, जिससे हमारा आपका साथ हमेशा बना रहे। धन्यवाद।